मेरे साथ इस समय मौजूद हैं करैल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा लक्ष्मण प्रसाद, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करैल से नामांकन कर दिया है और राजा साहब उस नामांकन में शामिल होने के लिए आए थे, तो राजा साहब से बातें करेंगे समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर लेके प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उन मुद्दों पर बात करेंगे। राजा साहब, सबसे पहले सैफी बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या लग रहा है आपको, कितने समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेके सरकार बनाने का दावा कर रही है 2022 में? देखिए साहब, हमारा तो ये है कि काम बोलता है। हमारे पिछली बार जो हमने काम करके दिखाए थे वो आज तक जिंदा है और आगे भी हमारी यही सोच है कि हम पब्लिक के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें वो करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हम जो हमारी जो हमारे शिलान्यास हमारे किए हुए शिलान्यास जो थे बीजेपी गवर्नमेंट ने किए हैं, उद्घाटन किया है और इनका हमारे टाइम के ही विकास कार्य कराए हुए पर अपनी मोहर लगाते हैं, ये जिसका हम विरोध करते रहते हैं, जनता भली बात जानती है। आप दलित समाज से आते हैं, जाटो समाज से आते हैं, दलित समाज का क्या रुझान रहेगा? दो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं करैल से, तो दलित का कितना परसेंट वोट मिलने की संभावना अखिलेश यादव? देखिए, मैं शोभा सिंह जी आपको बताऊं कि ये जो अब आने वाले जो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो ये चाहते हैं कि बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। इस बीजेपी ने जितना हमारा शोषण किया है उससे उसकी कहीं भरपाई हम लोग कर सकें तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे और हमारे लोग जो है इससे बहुत जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं, बगैर कहे जुड़ रहे हैं और अपना अपना क्षेत्र में चर्चाएं इस बात की हो रही है कि हम मायावती ने हमारे लिए क्या ही किया है। आज वो दूसरे लोगों की है तो उनको दर्द आता है लेकिन अपने लोगों का दर्द उनको नहीं दिखाई देता है। तो करैल से कितनी क्या ऐतिहासिक जीत दिला रहे हैं आप लोग अखिलेश यादव को? ऐतिहासिक, महाऐतिहासिक। लगभग कितने वोटों से जीत होगी? लोग चर्चा कर रहे हैं 1,00,000 से अधिक वोटों से इस बार अखिलेश यादव जीतेंगे। बल्कि मैं तो और आपसे ज़्यादा बता रहा हूँ, वो जिस दिन 10 मार्च को ये EVM खुलेंगे तो 11 तारीख को ही आप 10 मार्च को 11 बजे तक आप सुन लेना कि अखिलेश भैया जो है वो लगभग 2.25 लाख पर आगे निकल जाएंगे। आप तो काफ़ी पुराने समाजवादी रहे हैं, बाबू राम जो पूर्व मंत्री रहे उन्होंने आपको राजा का खिताब दिया था और आप आसपास के जिलों में राजा के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो उस समय की राजनीति में अब की राजनीति में कितना अंतर देख रहे हैं आप? हमने ये देखा है कि समाजवादी पार्टी के जो जो भी पीढ़ी है, एक बाबूराम वाली पीढ़ी देखी थी, एक उस आज पीढ़ी देख रहे हैं, बराबर का मतलब जो है हमें रेशो मालूम पड़ता है, कोई फर्क नहीं है। तो आप दलित समाज से आते हैं तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी में आप कई शुरू से आप शुरुआती दौर से सपा का गठन तो बाद में हुआ, उससे पहले आप मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी रहे हैं, इस परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी में दलितों का पूरी तरह से सुरक्षित है और समाजवादी परिवार दलितों को बहुत चाहता है? जी हाँ, हम आपको ये बता रहे हैं कि एक बार भी अगर कोई जो समाजवादी पार्टी के साथ रह लेगा, जो भी दलित होगा वो ये भूल जाएगा कि हम दलित हैं, वहाँ समान व्यवहार, एक सा व्यवहार और मदद करने की एक आदर्श है समाजवादी पार्टी में और वो इतने जी जान से जुटे रहते हैं। कोई भी आधी रात को भी अगर कोई बात खबर करी हमने तो हम वो हमारी बात पहले सुनते हैं, छोटे आदमी की बात सुनते हैं, वो गरीब अमीर का कोई फ़र्क उनके दिमाग में नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दलित समाज का वोट बहुसंख्यक जो है वो इसको मिलेगा समाजवादी पार्टी को। मेरे साथ ये मौजूद थे करैल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा लक्ष्मण प्रसाद।
सैफी बुलेटिन से सुगर सिंह।